गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है बाल विवाह एवं उसके लाभ हानियां, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने बाल विवाह के कारण, बाल विवाह क्या है, इसके बारे में जाना था। आज हमारा टॉपिक है बाल विवाह से लाभ, और हम जानेंगे कुछ बाल विवाह से होने वाली हानियां और बाल विवाह को रोकने के लिए कौन कौन से कानून जो है स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है हमारा बाल विवाह से लाभ। बाल विवाह के कारण ही जानकारी करने के बाद इसका प्रतिफल परिस्थितियों के कारण लाभदायक ही निकला, जो बाल विवाह के लाभ के रूप में था। यानी कि ये अभी की बात नहीं है, ये उस समय की बात है जब लोगों ने जिस भी परिस्थिति में बाल विवाह करना शुरू किया था। तो जब उन्होंने बाल विवाह करना स्टार्ट किया तो उसमें उनको लाभ हुए। क्या लाभ हुए? जैसे कि वैवाहिक अनुकूलन, छोटी आयु में बालक बालिकाओं का विवाह होने से उनके विचारों में आयु के बढ़ने के साथ समानता आ जाती है। यानी कि छोटी आयु में वे एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं, तो उनके जो आपसी विचार होते हैं वो एक समान हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार, आचरण, रुचि, आदतों आदि से भली प्रकार परिचित हो जाते हैं। परिपक्व अवस्था में जब वे बड़े होते हैं, परिपक्व अवस्था में आते हैं, तो विवाह होने पर दोनों के विचारों में सामंजस्य बनाने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये था कि जिन्होंने बाल विवाह वही कराते हैं, उनका कहना ये था कि अगर हम बचपन से ही बच्चों की शादी कर देंगे तो बच्चे जो है बचपन से उनकी आदतें, उनकी रुचि, उनकी जो व्यवहार है वो सब समझने लगेंगे और आपस में उनमें समानता हो जाएगी। लेकिन वही विवाह जब हम परिपक्व हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब किया जाता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या है, उनके बीच में सामंजस्य यानी कि एडजस्ट करने में कठिनाई होती है। इस कारण उनका वैवाहिक जीवन कभी कभी तो अभिशाप बनकर ही रह जाता है। अतः बाल विवाह से दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास साथ साथ होने के कारण उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। दूसरा इन्होंने लाभ बताया कि अनैतिकता से बचाव। ये क्या है कि किशोर अवस्था के आरंभ होते ही काम वासना जागृत हो जाती है। जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उसमें जो उनकी काम वासना है वे जागृत हो जाती है, और बाल विवाह होने से विधिवत अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः बाल विवाह के कारण चरित्रहीनता की संभावना कम हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट है आपका बच्चे के दायित्व से छुटकारा। छोटी आयु में विवाह होने के कारण संतानें भी शीघ्र होने लगती हैं। माता पिता कम आयु में अपनी बड़ी बड़ी संतानें पाकर उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर अपने दायित्व से मुक्ति पा लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपका अभिभावकों द्वारा वर वधू का चुनाव। बाल विवाह के समय लड़के लड़कियों की आयु कम होने के कारण उनमें कोई भी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उनकी जो माता पिता हैं वे अपने बालकों के हित को ध्यान में रखकर योग्य वर के साथ योग्य कन्या का विवाह करते हैं। इस प्रकार वर वधु दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, उन्हें अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है उनकी चिंता नहीं करते। माता पिता का अटूट विश्वास कर वे वैवाहिक जीवन का सुख भोगते हैं। अब कुछ है आपके बाल विवाह से हानियां। ये क्या है? हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक दूसरा बुरा। तो जिस प्रकार रात के बिना दिन का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार बाल विवाह के लाभ के साथ हानियों की भी जानकारी नहीं होगी तो हम दोनों के निर्णय करने में कठिनाई पैदा हो सकती है कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जहां बाल विवाह से कुछ लाभ हमने पाए, वहां कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे पहली क्या है आपका? व्यक्तित्व विकास में बाधा। बाल्यावस्था खेलने बहाने मौज मस्ती शारीरिक मानसिक विकास की अवस्था होती है ना, तो बाल विवाह होने से उनमें अपरिपक्व अवस्था में दायित्व निभाने पर भार पड़ जाता है। जिस अवस्था में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपने बचपन को एंजॉय करते हैं, तो बाल व्यवस्था में क्या होता है, उनकी शादी कर दी जाती है और उन पे घर की जिम्मेदारी आ जाती है, जो उनके व्यक्तित्व विकास में क्या होती है, बाधक होती है। बालिकाएं कम उम्र में ही माँ बन जाती हैं, लेकिन स्वयं यानी कि जब वो स्वयं उनका खेलने कूदने के दिन होते हैं, है ना, अलहड़ होने के कारण उनका लालन पालन भी वह ठीक प्रकार से नहीं कर पाती हैं। अपनी नासमझी और दायित्व निभाने की चिंता उनके मानसिक और बौद्धिक विकास में क्या होती है, बाधक बन जाती है, क्योंकि वो स्वयं इतनी परिपक्व नहीं होती है। फिर बच्चे को संतान देने के बाद वह उसका लालन पोषण किस तरीके से कर सकती हैं, सही से नहीं कर सकती।
इसके बाद में स्वास्थ्य का पतन एवं निर्मल संतानें। अब जब कम उम्र में बच्चे जो है माँ बनेंगी तो उनके कारण उनकी संतानें भी निर्मल और रोगी होंगी, साथ ही उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है प्रसव पीड़ा को ना झेलने के कारण कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। कभी कभी तो गर्भपात या फिर प्रसव के समय माता एवं शिशु दोनों की मृत्यु तक हो जाती है, या अनविकता के कारण जल्दी जल्दी संतान को जन्म देने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। फिर आपका जनसंख्या में वृद्धि, बाल विवाह जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है जो भारत के लिए भयंकर समस्या भी बनी हुई है। देश की आज़ादी के समय हमारा 33 करोड़ आबादी थी, लेकिन अगर आज हम कहें तो 100 करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन ये तो आपकी बुक में 100 करोड़ दी है, अगर अभी हम प्रेजेंट में बात कहें तो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, जो देश के विकास में बाधक है। बाल विवाह के कारण युवावस्था प्राप्त करते करते कई संतानों के माता पिता बन जाते हैं। इधर बढ़ती हुई महंगाई के कारण उनका सही ढंग से पालन पोषण भी नहीं हो पाता, इसीलिए आज परिवार में बालक का जन्म तो होता है पर नागरिक का नहीं होता, क्योंकि भाई जब इतने सारे बच्चे होते हैं तो किसी एक का आपके बच्चे होंगे, दो होंगे तो आप उनका सही से लालन पोषण करोगे, उनके खाने पीने का ध्यान रखोगे, और जहां बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, बच्चे तो होंगे वो तो जैसे फिर बड़े हो रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, जैसे भी उनमें संस्कार आ रहे हैं तो इतना सब पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वह नागरिक सही से नहीं बन पाते, उनके अंदर कोई अवगुण भी आते हैं, वो जिस तरीके से भी अपनी लाइफ को जीते हैं वैसे ही जीते जाते हैं। फिर है आपका बाल विधवाओं की समस्या। बाल विवाह बाल विधवाओं की समस्या को जन्म देते हैं। उचित रीति से पालन पोषण ना होने के कारण बालकों को अनेक ऐसे रोग लग जाते हैं जिनके कारण उनका जीवन काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो भारत में विधवाओं की स्थिति बड़ी ही कष्टदायी है, वे परिवार व समाज के लिए एक बोझ का स्वरूप हो जाती हैं। परिवार में किसी प्रकार का सहारा ना पाकर वे भ्रष्टाचार व अनैतिकता के गर्भ में गिरने लगती हैं। फिर आपका बेरोजगारी, ये क्या है कि संतान की अधिकता के कारण जनसंख्या में वृद्धि के कारण महंगाई के कारण बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जा रही है, जो देश के विकास तथा समृद्धि में क्या होती है, बाधा डालती है। अगर हम कहें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका 53 लाख व्यक्ति आपके बेरोजगार थे, जबकि चौथी योजना तक बढ़ते बढ़ते ये संख्या कितनी हो गई थी, 273 लाख हो गई थी, जिससे कि बाल बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। योग्य जीवन साथी का अभाव, अब बालक बड़ा होकर क्या बनेगा, कैसा बनेगा, किसको क्या पता, है ना। वह अब देखिए कोई भावी पति कैसा है, अच्छा है बुरा है, कैसे उसके संस्कार हैं, कैसे उसके भाव हैं, कैसे उसके विचार हैं, ये तो बड़े होने पर ही पता चलेगा, है ना। तो योग्य जीवन साथी का यहाँ पर अभाव होता है। फिर आपका शिक्षा का भी अभाव होता है कि भाई बचपन में शादी कर दी जाती है, अशिक्षित होते हैं, अंधविश्वास उनके मन में भरा हुआ होता है, उनकी जो है वह अज्ञानता से भरे हुए होते हैं, तो उनको पत्र को लिखवाने या पढ़वाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है। फिर नवविवाहिताओं की मृत्यु, कम उम्र में शादी करने पर ससुराल की रीति रिवाजों में अनभिज्ञता के कारण उनकी डांट फटकार पड़ती है, ससुर जेठ जिठानी ताने कष्टकारी जीवन उनको विशुद्ध कर देता है, और ऐसे में पति के प्यार से वंचित केवल संतान उत्पन्न करने वाली ही रह जाती है, जिससे कि प्रसव काल में इनके क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बाल विवाह के गुण दोषों से यही निष्कर्ष निकलता है कि समय की गति परिवर्तनशील है, इसी परिवर्तन के कारण समाज की मान्यताएं एवं धारणाएं बदलती रहती हैं। एक समय जो परंपराएं लाभदायक सिद्ध होती थी वही आज के टाइम पे क्या है, हानिकारक है। आज के परिवेश के साथ चलने के लिए उचित शिक्षा, अगर हम आज के समय के हिसाब से चलें तो आज क्या जरूरी है, आज उचित शिक्षा जरूरी है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना आवश्यक है। ये तभी संभव हो सकता है जब बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो आपकी आप आयु की कितनी की गई है, लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसे सरकार ने कहा है कि मैं विवाह किया जाए ताकि वे अपने पारिवारिक जीवन को और संतान को सुखी समृद्ध बना सके। अब बाल विवाह की रोकथाम के लिए वैधानिक कुछ उपाय किए गए थे, वो कौन कौन से थे जो सरकार की तरफ से किए गए। तो सबसे पहला है आपका भारतीय दंड विधान व्यवस्था। ये क्या है, इस अधिनियम के अनुसार 10 वर्ष की आयु से कम आयु की बालिका का विवाह अवैध घोषित किया गया। फिर आपका 1891 का अधिनियम आया, इसमें जो है बंगाल में मनमोहन घोष ने बालिका के विवाह की आयु 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा,
लेकिन उन्हें इसमें क्या हुई, सफलता नहीं मिल सकी। फिर आया आपका शारदा एक्ट, इससे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। शारदा एक्ट, इसमें ये जो था आपका सन 1929 में रामहर विलास शारदा के प्रयासों के फलस्वरूप बाल विकास निषेध कानून पास किया गया था, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस एक्ट में निम्न शर्तें रखी गई। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि शारदा एक्ट कौन सी सन में आया था, 1929 में आया था। कौन लेकर आया था, रामहर विलास शारदा। अब इनकी शर्तें क्या क्या थी, सबसे पहली शर्त थी आपकी विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट में। ओके, इसका उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। यदि किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम है और वह 15 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे 15 दिन का कारावास और ₹1,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसी के मुकदमे की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। निर्धारित आयु से कम आयु में विवाह करने वाले माता पिता या फिर संरक्षक को 3 माह की जेल तथा ₹500 जुर्माना आपका दंड के रूप में देना होगा। इस नियम के अनुसार स्त्रियों को कारावास नहीं होगा। इस एक्ट में लचीलापन होने के कारण बाल विवाह जो था प्रथा कम प्रभावित हुई। उसके बाद में इसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद में कुछ हिंदू विवाह अधिनियम आया, वो क्या था, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पास किया गया, जिसमें विवाह संबंधी कई कमियों को दूर करने के लिए नियम बनाए गए। इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 15 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है, इसमें 1976 में इस नियम में फिर संशोधन किया गया, उसमें लड़की की आयु कितनी कर दी गई 1976 में संशोधन के बाद, 18 वर्ष, और लड़के की आयु 21 वर्ष, जो कि आज भी यही माना जाता है। ठीक है, ये नियम आपका 1978 में लागू कर दिया गया था, लेकिन 1976 में संशोधन हुआ था, इसको याद रखना है, और 1978 में ये लागू कर दिया गया था। इसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें ये सारे जो वैधानिक उपाय दिए गए हैं, भारतीय दंड विधान व्यवस्था और 1891 का अधिनियम शारदा एक्ट और प्लस हिंदू विवाह अधिनियम, इनकी डेट, इनके नियम और इनमें कितनी विवाह की आयु कौन से एक्ट में कितनी दी गई थी, इनको आपको याद करना है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है। इसके अलावा आपका होमवर्क क्या है, ये होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है बच्चों, और आपको अपनी कॉपी जो है सैटरडे को स्कूल में जमा भी करनी है। जो भी काम मैं आपको बता रही हूँ वो चेक करने के लिए। तो ये आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मैंने टिक लगाए हैं ये, प्लस लघु क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, अति लघु दो ही हैं और आपके ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को याद भी करना है, अपनी कॉपी में आपको लिखना भी है, और आपकी पेज नंबर आपके 377 पर आपको ये सारे मिल जाएंगे, तो इनको आपको अपनी कॉपी में करना है, याद भी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।